मैं सुशासन से पूछना चाहूंगा कि बाढ़ क्षेत्र घोषित परसों करने का कोई निर्णय क्यों नहीं लिया, किसानों के ऋण माफ करने का कोई निर्णय क्यों नहीं लिया गया, किसान और आम आदमी जो बाढ़ क्षेत्र से प्रभावित है उसके अकाउंट में मिनिमम 15,000 रूपये 20,000 रूपया देने का कोई घोषणा क्यों नहीं है, सभी तरह के लोन माफ करने की घोषणा क्यों नहीं है, ना तो कहीं पन्नी है, ना तो कहीं चापाकल है, ना तो कहीं किचन चल रहा है, ना तो कहीं जनरेटर है, बताएंगे ना नीतीश कुमार है क्या। हम बड़ा विनम्रता के साथ आग्रह करेंगे सत्ता पक्ष और विपक्ष को, दो रात दो दिन सड़कों पर सोई हुई पब्लिक जिसके पास जनरेटर नहीं है, जिसके पास राशन नहीं है और कोई चापाकल नहीं है, क्या उस पन्नी के नीचे अपने पूरे परिवार के साथ ये पॉलिटिशियन बिता सकते हैं। बांध जाने पर सोची क्या, हर अवसर को नेता लूटने में लगाए, कोरोना वायरस का वैक्सीन तो मिल जाएगा 3 महीने में, लेकिन इन नेताओं का वैक्सीन कब मिलेगा। दुनिया में भारत में और भारत के बिहार में सबसे बड़ा वायरस है नेता, ये ब्लैकमेलर हैं, ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं जनता को। कोरोना वायरस में भी 8,400 करोड़ रुपया इन्होंने लूट लिया, किसी पंचायत को कहते हैं कि मुखिया लोगों को हमने 9 लाख रुपया दे दिया, किसी पंचायत को मांस और साबुन नहीं बटी, झूठ बोलता है मुखिया को पैसे 9 लाख दे दिए, आखिर ये पैसे गए कहां। इस बार लगभग 37 बांध टूटे हैं टोटल।